वसई पूर्व स्थित एवरसाइन में रहने वाले आश्विन पौराना इस वक्त मनपा प्रभाग द के सह आयुक्त गिल्सन गोंजाल्विस की लापरवाह व पक्षपातपूर्ण कार्यशैली के शिकार है। दरअसल एवरसाइन में एक कमर्शियल इमारत है जिसमें पहली मंजिल पर पौराना ने 2001 में दो गाले लिए थे, जहां इस वक्त एक प्राइवेट शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है। वहीं ठीक उनके गाले के नीचे अजय गुप्ता नामक शख्स के भी गाले हैं। वहीं बीते 2 महीने पहले मनपा प्रभाग डी द्वारा इस इमारत में बने अवैध पत्रा शेड पर गिल्सन द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद दोबारा अजय गुप्ता द्वारा कंस्ट्रक्शन का कार्यालय खोला गया तथा दोबारा 5 फुट अवैध पत्रा शेड बनाया गया। साथ ही पहली मंजिल पर ऐसा कुछ किया गया कि आश्विन के गाले में चलने वाले क्लासेस के बच्चों के साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है, ऐसा अंदेशा आश्विन पौराना ने जताया है। आखिर क्या मामला है और आश्विन पौराना इस मामले में क्या जानकारी देते हैं, सुनिए उनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अश्विन पौराना है और वसई ईस्ट में हिल्टन आर्किट करके कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें पहले माले पे मेरे 2 गाले हैं। अच्छा। और 2 गाले मैंने लिए 2001 को, और बरोबर मेरे गाले के नीचे अजय गुप्ता शॉप नंबर 1 है, उनके गाले हैं। अभी लास्ट 2 महीने पहले म्यूनसिपालिटी की कार्यवाही में करीब करीबन हमारी बिल्डिंग में 14 गाले वो सब म्यूनसिपालिटी वाले अतिक्रमण तोड़ के गए हैं। उसके बाद ये अजय श्री अजय गुप्ता ने वापस अपना RCC कंस्ट्रक्शन करके 5 फुट गाला आगे लिया और आगे शटर डाल दिया। तो 3-5 को मैं एक लेटर दिया था म्यूनसिपालिटी में आचोले रोड पे कि भाई ऐसा ऐसा है आप देख लीजिए, उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की। फिर वापस एक लेटर दिया, एक फायर ब्रिगेड को दिया कि ऊपर उसकी 2 टाकी है 1500-1500 लीटर की और बाजू में MSEB का ट्रांसफार्मर है, तो हमारा हमारा जो अभी गाला है उसके अंदर क्लासेस चल रहे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे, तो हमको डर है कि वापस द्वारका होटल जैसा वहाँ हादसा नहीं हो जावे। और उनकी टाकी के बाजू में मोटर ओपन है, उनके वायर ओपन है, तो उनको भी हमने अजय गुप्ता को भी समझाया, सोसाइटी को भी लेटर दिया, नोटिस दिया, म्यूनसिपालिटी को भी 10 दिन पहले एक नोटिस दिया वकील के थ्रू। और उसके बाद में मैं गोंसाल्विस साहब को जो उपायुक्त है उसको मिलने गया, मिले मुझे वो, बातचीत किया, लेकिन उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ कार्यवाही करे या उनको कुछ इंटरेस्ट है। तो अभी समझ में नहीं आता है कि कितनी बार जाने का और क्या करने का, चप्पल घिस गई हम तो जाके, ये म्यूनसिपालिटी का काम है। 1 महीने पहले जो तोड़ के गए उनके ही नाक पे ये लोग मेन रोड पे बना रहे वापस अनधिकृत बांध काम, तो भी म्यूनसिपालिटी ध्यान नहीं देती है। मेरा कहना है सर जी कि माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अवैध निर्माण है, आने जाने का रास्ता शॉर्ट होते जा रहा है, ट्रैफिक जाम लगती है, तो भी ये नगर पालिका का ध्यान नहीं पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। और जिस दिन मुझे गोंसाल्विस साहब मिले उस दिन मेरे जैसे 12 से 15 लोग वहाँ खड़े थे, ठेले वाले, ये गाड़ी वाले, अवैध निर्माण वाले, और मुझे लगता है वो अंदर जाके कुछ न कुछ दे के आते, वो आते और कुछ कार्यवाही नहीं होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटा के जो योग्य और अपना आत्मसमर्पण वाले अधिकारी जो पब्लिक के लिए काम करे उनको बिठा के सबका न्याय दिया जाए सबको।